सर पकड़ लीजिए इस आदमी को, चोर है ये। चोर? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अंदर चल, अंदर चल के बात करेंगे। अरे सर पर मुझे। अरे चल अंदर, चल चल। सर देखिए आपको ना कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है, मैं चोर नहीं हूँ सर। सर क्या हुआ है? अच्छा मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिली है, तुम्हारा नाम मनीष शर्मा है कि नहीं? हाँ जी सर। और तुम्हारी वाइफ का नाम कीर्ति शर्मा है कि नहीं? जी सर। तुमने कोई कार लोन लिया था ना 3 महीने पहले? हाँ जी सर मैंने लोन लिया था, पर कार लोन लेना कोई चोरी तो नहीं है ना? बेटा टाइम पे EMI नहीं देना वो चोरी कहलाता है। क्या क्या? हाँ तुम्हारे 3 महीने से EMI बाउंस हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे चेकिंग करने आना पड़ा। सर ऐसे कैसे हो सकता है? और आप दोनों को हुआ क्या है? मैं तो पिछले 3 महीने से EMI टाइम पे कर रहा हूँ और मेरी तो कोई बाउंस भी नहीं हुआ है। अगर आप दोनों को यकीन है ना तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, तब तो यकीन आएगा। देखिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी रिपोर्ट में आपके पेपर्स आए थे इसलिए हमें चेकिंग करने आना पड़ा, और बाउंस है तो है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दीजिए। सर पर कीज क्यों चाहिए? ला रहे हो या चाबी थाने में जाके दोगे? नहीं नहीं सर मैं दिलवाता हूँ चाबी। पर सर मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, मैंने सारी EMI टाइम पर पे करी है, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए। ओ तेरे जैसों को ना मैं रोज मिलता हूँ, समझ आई ना? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये ड्रामा करना बंद कर वरना थाने में ले जाके ना सब सच निकलवा लूंगा। चलो अब मेरे साथ नीचे चलो और मुझे गाड़ी दिखाओ। ठीक है सर चलिए। सर ये है मेरी गाड़ी। अरे जब पैसे देने की औकात नहीं है तो इतनी महंगी गाड़ी खरीदते क्यों? सर पर हमने तो पैसे टाइम पे भरे थे। हाँ जब हम घर में पहुंच जाते हैं ना तो सभी ऐसे कहते हैं कि हमने तो टाइम पे EMI भरी थी, हमने तो सब कुछ किया था, आप अपने पेपर चेक कर लो, आपसे कुछ गलती हो गई। मैंने बोला था ना कि हम जब पहुंच जाते हैं ना तो अच्छे अच्छे को सीधा कर देते हैं, समझ आई ना? चलिए वो सब छोड़िए, आप यहाँ पे पहले साइन कर दीजिए, वो क्या है ना ट्रक आती होगी गाड़ी ले जाने के लिए। बट सर। अरे देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा दिमाग मत खाइए, जो भी कहना बैंक आके कहना, साइन करो यहाँ पे। सर एक मिनट आप दोनों मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी गाड़ी ऐसे ले जाएंगे तो सोचिए ना मेरी सोसाइटी में कितनी इज्जत है, मेरी इज्जत का क्या होगा? प्लीज़ सर आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना। अच्छा बोलिए क्या कहना है? सर घर पे ना कुछ पैसे पड़े हैं, आप वो ले लीजिए और मेरी गाड़ी छोड़ दीजिए अभी, कल मैं बैंक में आके जो भी चीज़ें मैं आपको सारी दिखा दूंगा, उससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आप मुझे अच्छे आदमी लग रहे हो इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ पर अभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप कल बैंक आइएगा और आपका जो भी EMI का इशू है सॉल्व कर लेना। ठीक है सर चलिए आप मेरे साथ। सर ये लीजिए पैसे। ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। थैंक यू सर। और यहाँ पे साइन कर दीजिए। साइन? सर किस चीज के साइन? साइन यहाँ करेगा या थाने में करेगा? नहीं नहीं सर करता हूँ मैं। एक मिनट, तुम सच कह रहे हो कि तुमने टाइम पे EMI पे करी है? सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने सारी EMI टाइम पे करी है और ना ही कोई EMI मेरी बाउंस हुई है। पर सर आप दोनों को तो मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। तो फिर तुमने मुझे ये पैसे क्यों दिए और मेरे कहने पे तुम ये साइन क्यों करते? मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। सबसे पहले अपने ये पैसे पकड़ो। एक्चुअली क्या है कि हमारा बैंक एक अवेयरनेस कैंप चला रहा है, हमने तुमको धमकी दी, तुमको डराया धमकाया और देखो तुम डर भी गए और डर के मारे तुम हमें पैसे भी देने लग गए। बस यही अवेयरनेस कैंप है, हम लोगों को यही सिखाते हैं कि आप एक फ्रॉड बैंक से बचे रहे, आपको ये जो भी बोले लेकिन आप अपनी बातों पे कायम रहे। एंड सॉरी फॉर दिस कि हमारी वजह से आपको कोई परेशानी फेस करनी पड़ी हो। थैंक यू सर आपने मुझे ये वाली बातें बताई और मैं आगे से ना ध्यान भी रखूँगा। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम मनीष जी, चलता हूँ।